गंगेरी में ठोस तरल कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला, दी गई आवश्यक जानकारी। सोमवार को अलीगढ़ के गंगेरी ब्लॉक में ठोस तरल कचरा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानों सचिवों को पूरा प्रबंधन व निपटारे की जानकारी दी गई। कार्यशाला के बारे में खंड विकास अधिकारी स्मृति अवस्थी ने बताया, ब्लॉक में 13 ग्राम पंचायत ठोस तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत चिन्हित है। इन ग्राम पंचायतों में किस प्रकार कार्य करना है और माइक्रो प्लान बनाना है, इसकी जानकारी प्रधानों को दी गई। इस दौरान प्रधानों की समस्याओं को भी सुना गया, ताकि बिना कोई दिक्कत के कार्यों को संपन्न कराया जा सके। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आज ने खंड विकास अधिकारी से कार्यशाला सहित अन्य मुद्दों पर बात की। मैडम, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, साथ में आज किस चीज पर यहाँ सेमिनार हुआ है? मैं स्मृति अवस्थी, खंड विकास अधिकारी गंगेरी। आज सभी प्रधानों की SLWM सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इस संबंध में एक वर्कशॉप की गई थी। हमारे यहाँ 13 गांव ऐसे हैं जिनमें जो SLWM में चिन्हित किए गए हैं, इसमें क्या काम कराना है, किस तरीके से माइक्रो प्लान बनाना है, इसके बारे में सभी प्रधानों को जानकारी दी गई। उनकी समस्याओं को भी सुना कि आपको क्या दिक्कत आ सकती है। हमारे BC ने पूरी एक ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई, जिससे प्रधान अवगत हुए और उनको मोटिवेट किया गया कि इस काम को सीधे से पूरा करें। ये और सचिवों के लिए क्या आदेश दिया गया है? सचिवों को जो अभी हमारे पास 12 गांव में से केवल 6 गांव के माइक्रो प्लान आए हैं, इसको 30 तारीख तक कंप्लीट करना है। उनको निर्देश दिया गया कि माइक्रो प्लान कंप्लीट करके दे दें, जिससे कि फंड रिलीज हो जाए और इस काम को तेजी से पूरा करना है। और सर, सरकारी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जिनके लिए अभी जो सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है, जिनके लिए आप जल्दी में ही लागू करने की? और योजनाएं जैसे नरेगा पार्क पे सभी को अवगत कराया गया। नरेगा पार्क हमारे यहाँ 10 जगह चिन्हित कर ली गई है जिन पे काम कराया जाएगा, और उम्मीद है कि जल्दी आपको बहुत खूबसूरत नरेगा पार्क गंगेरी में देखने को मिलेंगे। खेल के मैदान 2 तैयार हो गए हैं, शेष 8 पर काम चल रहा है हमारे यहाँ। और आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण का प्रक्रिया 11 चिन्हित कर ली गई है जिन पे काम कराया जाएगा। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।